अमरीकी संसद के डिप्टी स्पीकर कांग्रेसवुमन कैथरीन क्लार्क का पंजाबियों के वलों निघा स्वागत। सत श्री अकाल, मैं जतिंदर सिंह खहरा, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। अमरीकी संसद के डिप्टी स्पीकर कांग्रेसवुमन कैथरीन क्लार्क अमरीकी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अमरीकन सिख काक्स कमेटी के सदे से डॉक्टर प्रितपाल सिंह के गृह विखे पधारे। सिख भाईचारे के बहुत सारे आगू इस प्रभावशाली अमरीकन लीडर का स्वागत करने के लिए पहुंचे, जिन्हां विच होरना तो इलावा डॉक्टर इकदार चीमा, हरप्रीत सिंह संधू, जसवंत सिंह होठी, महेंद्र सिंह मान, जसदेव सिंह, करमजीत सिंह शाही, जसविंदर सिंह जंडी, जसजीत सिंह, अमन कौर भुल्लर भी हाजिर रहे। इस समागम की शुरुआत दे विच अमरीकन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कोआर्डीनेटर डॉक्टर प्रितपाल सिंह ने डिप्टी स्पीकर कैथरीन क्लार्क नूं जी आया कहा अते उन्होंने इत्थे आउण ते स्वागत भी किया। और इस तो बाद डॉक्टर प्रितपाल सिंह ने डिप्टी स्पीकर कैथरीन क्लार्क वालों विसाखी नूं राष्ट्रीय सिख दिवस वजो मानता दिवाउण दे विच अहम भूमिका निभाउण लई उन्हां दा धन्नवाद किया। उपरंत अमरीकन सिख काक्स ते हरप्रीत सिंह संधू ने विस्थार दे नाल अमरीका विच सिखां दी आमद बारे अते अमरीकी राजनीति दे विच सिखां दी शमूलियत अते बारे डिप्टी स्पीकर नूं जानकारी दित्ती। हाज़र विच सिख आगूआं वल्लों अमरीका दे विच सिख मसलियां बारे, सिखां दी अमरीका दे विच गलत पछाण बारे मसले विचारे गए। इस नाल ही कुछ आगूआं ने भारत दे विच सिख नसलकुशी बारे भी आवाज़ चुकी। यूनाइटेड नेशन दे डॉक्टर इकदार चीमा ने भारत विच सिखां ते होए नसलकुशी ते चिंता दा प्रगटा कीता। उन्हां कांग्रेस वुमन नूं अपील कीती कि इस संबंधी सिख कौम की हमायत की जाए ताकि लंबे समय तो लटक रहे इस मामले का इंसाफ मिल सके। डिप्टी स्पीकर कांग्रेस वुमन कैथरीन क्लार्क ने अपनी तकरीर दे विच कहा कि उन्होंने बड़ी खुशी है कि वह अज इत्थे सिख कौम के रूबरू हुए ने। उन्होंने भरोसा दवाया कि मैं सिख नसलकुशी के खिलाफ आवाज चुकांगी। उन्हें मनिया कि यह बड़ा घिनौना अपराध है। डिप्टी स्पीकर कैथरीन क्लार्क ने कहा कि सिख कौम एक मेहनतकश कौम है अते इन्हां वल्लों अमरीका की तरक्की च पाए वडमुल्ले योगदान लई सानू इस कौम का धन्नवादी होना चाहिए है।